आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी, व्यवस्थाएं देख बोले, शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं और माहौल उपलब्ध। खबर जनपद भदोही से है, जहां 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में पठन पाठन के बारे में छात्रों से जानकारी लेते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संपन्न की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय के कार्यालय कक्ष, लाइब्रेरी, रसोई घर व अभिलेखों की जांच पड़ताल की गई। जिलाधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं से विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। छात्रों द्वारा सही जवाब बताने पर उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए खूब मेहनत से पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रयोगशाला व म्यूजियम में लगे छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विज्ञान व नवाचार के विभिन्न मॉडलों को देखा और उनकी प्रतिभा व मेधा को सराहा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंध समिति संबंधित बैठक में प्राचार्य सीएम सिंह ने जिलाधिकारी सहित सभी सदस्यों को विद्यालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए विद्यालय की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा म्यूजिक उपकरणों के साथ सुमधुर ध्वनि में सरस्वती वंदना, स्वागत गान, लोकगीत गाया गया तथा छात्राओं द्वारा राजस्थान की प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया, जिसकी जिलाधिकारी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेरित किया। प्रबंध समिति की बैठक की कार्यसूची में परिसर से पानी निकासी के लिए नाली का अबाध प्रवाह, सर्दियों में छात्र छात्राओं को गुनगुने पानी से स्नान करने हेतु सोलर हीटर की आवश्यकता, ओपन जिम, विद्यालय प्रवेश द्वार एवं सेस परिसर की सुरक्षा के लिए 4 होमगार्ड की नियुक्ति, कूड़े का नगर पालिका द्वारा निस्तारण, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 या 2 बार शिविर का आयोजन व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, आपदा आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय किए जाने वाले बचाव कार्य एवं दायित्वपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में प्रशिक्षित कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे में छात्र छात्राओं को मेहनत व लगन से पढ़ते हुए शिक्षकों के द्वारा बताए गए पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने देश के विकास में अपनी महती भूमिका को अदा करना है। जिलाधिकारी ने एक अभिभावक सदस्य की भांति जवाहर नवोदय विद्यालय में समुचित संसाधनों एवं व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रयास के साथ विद्यालय प्राचार्य व प्रबंध समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि आप लोग विद्यालय के विकास हेतु समर्पित भाव से कार्य करें, प्रशासन इसके प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। इस दौरान जैसे ही जिलाधिकारी नवोदय विद्यालय प्रांगण पहुंचे, बच्चों में उत्साह देखने लायक था। द्वार से ही जिलाधिकारी के सम्मान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए छात्र एवं छात्राओं ने मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्र छात्राओं एवं विद्यालय के शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि छात्र एवं छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए कम समय में इस तरह का कौशल दिखाया है तो विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं के विशिष्ट कौशलों को देखने की उत्सुकता मन में बढ़ जाती है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। अपने संबोधन के दौरान सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने अपने शब्दों से छात्र छात्राओं में मानव ऊर्जा का विशिष्ट संचार कर दिया हो। इस दौरान विद्यालय के सबसे छोटे बच्चे को अपने पास बुलाकर उसे अपनी गोद में लेकर उससे कुछ प्रश्न पूछे और स्वयं उसके प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मेरे कुछ मित्र नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं और आज सफलता के अलग अलग क्षेत्र में अपनी शिक्षा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षकों द्वारा आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन इसे और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में जितना सम्मान जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की उन शिक्षकों का है, उतना ही सम्मान शिक्षा प्रदान करने वाले हर शिक्षक का है, क्योंकि शिक्षक ही समाज का असली निर्माता है। विद्यालय के प्राचार्य सीएम सिंह, उप प्राचार्य प्रेम प्रकाश व अन्य शिक्षकों द्वारा माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र भेंट कर जिलाधिकारी के साथ साथ उपस्थित अन्य अधिकारियों का सम्मान बढ़ाया गया। विद्यालय में पहुंचते ही जिलाधिकारी अचानक अलग अलग कक्षाओं में पहुंचे और अध्ययनरत छात्रों से संवाद करते हुए उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया और कहा कि शिक्षा वह पूंजी है जो जीवन पर्यंत सुख की अनुभूति कराती है और आजीवन इंसान को समाज में मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है। इस दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षण कार्य को भी जिलाधिकारी ने सराहा और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए शिक्षकों और बच्चों से सीधे संवाद किया। निरीक्षण
करने के दौरान जिलाधिकारी एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गए जिसमें शिक्षक विभास भट्ट ने कई ऐतिहासिक तथ्यों को सजोए रखा था। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अध्यापक महोदय, आपकी लैब किसी संग्रहालय से कम नहीं है। यदि अकेले आपके इस वृहद संग्रहालय में आना हो और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। छात्र छात्राओं का सौभाग्य है कि शिक्षक के रूप में आप जैसे शिक्षक का साथ उन्हें मिल रहा है। हालांकि समय अभाव के कारण जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह की सुविधाएं नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर में उपलब्ध हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए लंबा समय लगेगा और मैं बीच बीच में आता रहूंगा। इस दौरान विद्यालय की व्यवस्था देख जिलाधिकारी संतुष्ट नजर आए। बैठक में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, प्रभारी DIOS विजय यादव, डायट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय के उप प्राचार्य प्रेम प्रकाश सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। विद्यालय में आज विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक थी। विद्यालय प्रबंधन समिति का कंसेप्ट सभी नवोदय विद्यालयों के लिए है, जहाँ पर त्रैमासिक बैठक हम नवोदय विद्यालय में और क्या बेटर कर सकते हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिला प्रशासन के समन्वय से, उसके संबंध में चर्चा हुई। 6 से 7 एजेंडा पॉइंट्स थे जिनके निस्तारण के लिए एक वर्क प्लान बनाया गया है, वो जल्दी हम लोग अचीव करेंगे 1 से 2 महीने में जितने भी अचीवेबल्स हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ आज इंट्रैक्शन हुआ और जैसा कि हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बच्चे हमारे हैं जो स्लाइटली अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के बच्चे लगा पिछले 35 साल से लगभग पूरे भारत का नाम अलग अलग डोमेन्स में रोशन करते आए हैं। तो उसी जो हमारा यंग टैलेंट है उनसे इंटरेक्ट करने का भी आज मुझे मौका मिला, और जो मैंने पाया वो मैंने देखा कि बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने क्रिएट किया है, उनकी पूरी टीम ने क्रिएट किया है, और उसको और बेटर करने में हमारा योगदान रहा है। किस तरह के इंप्रूवमेंट किए जा सकते? देखिए, कुछ छोटे मोटे अवस्थापना बेस्ड इशूज़ हैं। जल निस्तारण का एक छोटा इशू था यहाँ पे स्कूल में, उसको निस्तारित किया जाएगा। जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, हॉट वाटर, उसको भी बारे में बात होगी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ सहजन मोरिंगा प्लांट जो हैं हमारे पेड़ हैं उनका भी प्लांटेशन करेंगे, ताकि डाइट में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि सहजन से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हमको मिलता है, वाइटामिन सी हो, प्रोटीन हो, वाइटामिन B12 हो, तो ये सब प्रोटीन्स भी उनकी डाइट में और वाइटामिन्स भी ऐड हो पाएंगे। तो इस पर भी हम लोगों ने आज चर्चा करी और इस पर जल्दी हम लोग ज़मीन पर लेकर आएंगे। गार्जियंस के लिए मेरा पुनः ये मैसेज होगा कि आपने पहले ऑलरेडी वो महत्वपूर्ण स्टेप उठाया जहाँ पे आपके बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ, उनका हाफ वो पढ़ाव पूरा हो चुका है जहाँ पे वो बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अब वो बच्चों से लगातार जुड़े रहेंगे और विद्यालय प्रबंधन का सहयोग करेंगे, और जितना वो पढ़ रहे हैं बस इतने पर ध्यान दे देंगे तो बच्चों का सक्सेसफुल करियर और उनके साथ साथ पूरे परिवार का उज्जवल भविष्य निश्चित है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।